हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ खीर। खीर के लिए मैंने लिए एक कटोरी राइस। तो राइस को मैं पहले वॉश करूँगी अच्छे से, फिर मैं इसमें सिट्टी लगाऊंगी, क्योंकि मैं सिट्टी लगा के राइस को पकाऊंगी। आप चाहो तो सीधा ही दूध में ऐड कर सकते हो, जब आप दूध बॉयल करोगे तो उसके साथ पका सकते हो। राइस मैंने वॉश कर दिए, अब मैं इसको कुकर में डाल दिए। अब मैं इसको पकाने रखूँगी 2 से 3 सिटी में, ये अच्छे से पक जाएगी। खीर के लिए क्या क्या ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने वो मैं आपको बता देती हूँ और दिखा देती हूँ। मैंने इलायची ली है 3 यहाँ पे। आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी ले सकते हो, पर मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची ली है। ये गरी है, मैंने काट के रख दी थी। बादाम है, अखरोट है, गरी पाउडर है, क्रश कर दिया था मैंने। और ये बादाम का पाउडर है, ये भी क्रश कर दिया था। और एक कटोरी चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कितना आप मीठा लोगे उसके हिसाब से ऐड करना है। 1 लीटर मैंने दूध लिया है। अब हम दूध को बॉईल करने रख देंगे। दूध को मैंने बॉईल करने रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, जो मैंने इलायची दी थी। अब हम दूध को अच्छे से बॉईल होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हमने दूध को अच्छे से बॉईल होने देना है कि ताकि ये हाफ हो जाए। मेरा दूध बॉईल हो गया है और राइस भी पक गए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मिक्स हुए हैं। राइस को अब मैं इस दूध के साथ मिक्स करूंगी। राइस दूध को आप ऐसे हिलाते रहिए ताकि ये बॉयल ना हो बाहर को। राइस को मैंने दूध में ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से ऐसे हिलाएंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। आप खीर को ऐसे हिलाते रहिए ताकि ये नीचे ना लगे और चले ना। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी 1 कटोरी, जो मैंने ली थी चीनी। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, अपने टेस्ट के अनुसार कितना आप मीठा लेते हो। अब हम चीनी को भी अच्छे से खीर में मिक्स कर देंगे। और ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। राइस और चीनी अच्छे से मिक्स हो गए दूध में। मेरी खीर ऑलमोस्ट बन गई है। ये मेरी खीर बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे हुए थे, अखरोट, बादाम, गरी का पाउडर, वो सब कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा मैं बाद के लिए बचा दूँगी उसको, जब मैं खीर को सर्व करूँगी तो उसको मैं गार्निश कर दूँगी। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मेरी खीर बन के रेडी हो गई है। मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर दिए हैं। आप देख सकते हो मेरी खीर कितनी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। आप चाहो तो ठंडी भी सर्व कर सकते हो, पर मैं यहाँ गरम गरम सर्व कर रही हूँ और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से, जो मैंने बचा के रखे थे। तो फ्रेंड्स, आज ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।